नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। MAGMC 113 के तहत हम फिल्म एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रश्न पत्र में आज टेलीविजन पत्रकारिता के समाज पर प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। टेलीविज़न जैसा कि आप जानते हैं कि टेलीविज़न जो है टेली शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, टेली प्लस विजन, विजन का अर्थ है देखना। टेलीविज़न का शाब्दिक अर्थ है दूर से देखना, जो दूर की वस्तुओं को जो है दर्शन करा दे उसे दूरदर्शन कहते हैं। ठीक, टेलीविज़न जो है ऑडियो विजुअल मीडिया है। टेलीविज़न श्रव्य दृश्य माध्यम है जिसमें जो है हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, और ये हमारे शरीर के दोनों ज्ञानेंद्रियों पे जो है प्रभाव डालता है। और जाहिर सी बात है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं दोनों आँख और कान, ये दोनों इसमें जो है इंगेज होते हैं, और इसकी ये जो है मस्तिष्क पटल पर जो है देर तक जो है छाई रहती है। जो चीज़ें आकाशवाणी में हम सुनते हैं वो केवल श्रव्य माध्यम है और उसे जो है जल्दी से भूल जाते हैं, लेकिन टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम है जिसपे देखते और सुनते दोनों हैं, और इसीलिए जो है टेलीविज़न पे जो कार्यक्रम देखते हैं वो हमारे मस्तिष्क पटल पर देर तक जो है छाई रहती है, वो अमिट होती है, जल्दी भूलती नहीं है। टेलीविज़न को जो है इडियट बॉक्स कहा जाता है, और वो शायद इसलिए कहा जाता है कि टेलीविज़न जो है हमको अपने आप से जो है बांध के रखता है। जब हम टेलीविज़न देखते हैं तो उस समय ना हम सोच सकते हैं ना अन्य काम कर सकते हैं, वो हमको अपने जादू में उलझाए रखता है, और इसीलिए जो है टेलीविज़न को इडियट बॉक्स कहा जाता है। टेलीविज़न रेडियो की अपेक्षा जो है सर्वाधिक शक्तिशाली माध्यम है। टेलीविज़न पत्रकारिता का समाज पर प्रभाव। टेलीविज़न पे जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं वो समाज के लिए जो है कितना उपयोगी होगा कितना अनुपयोगी होगा उसके मद्देनज़र ध्यान देकर जो है टेलीविज़न के कार्यक्रम जो है तैयार किए जाते हैं और उसको जो है प्रसारित किया जाता है। राष्ट्रीय कार्यक्रम जिनका उद्देश्य भाईचारा बढ़ाना, प्रेम और सौहार्द का वातावरण निर्मित करना है, टेलीविज़न चैनल पर दिखाए जाते हैं। मतलब टेलीविज़न के राष्ट्रीय कार्यक्रम में जो प्रोग्राम प्रसारित कर किया जाता है उसका उद्देश्य है कि हमारे समाज में जो है भाईचारा और सौहार्द बढ़े और उनका समाज का भी विकास हो सके। दूरदर्शन का राष्ट्रीय कार्यक्रम मनोरंजन, सूचना और शिक्षा का मिला जुला स्वरूप प्रस्तुत करता है। दूरदर्शन का जो राष्ट्रीय स्वरूप है वो मनोरंजन कराता है दर्शकों को, सूचना भी देता है और शिक्षा भी जो है टेलीविज़न के माध्यम से जो है प्रसारित की जाती है। इसका समय निर्धारण इस प्रकार से किया गया है कि यह हर वर्ग के दर्शकों का मनोरंजन विभिन्न समय पर कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि टेलीविज़न पे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की समय सूची तैयार होती है और उसमें जो है दर्शकों को जो है पूर्णतः ध्यान में रखा जाता है कि हमारा दर्शक किस समय जो है अपने काम धंधे से खाली रहता है और वो कार्यक्रम को आसानी से देख सकता है। जैसे अमूमन जो है जो गृहिणियाँ हैं जो घर में काम करती हैं तो वो सुबह और शाम के कामों के अतिरिक्त वो दोपहर में उनके लिए खाली समय होता है, और उस समय जो है गृहिणियों से संबंधित कार्यक्रम TV सीरियल वगैरह जो है प्रसारित किए जाते हैं जो उनके लिए लाभप्रद होता है। इसी तरह जो है बच्चों को भी ध्यान में रख के जो है टेलीविज़न पे कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है जिसे बच्चे देखते हैं, और जो राष्ट्रीय प्रसारण का समय होता है मतलब जिसे प्राइम टाइम कहते हैं, रात्रि के 8 बजे से 10 बजे के बीच जो है टेलीविज़न पे जो है बहुतायत जो है समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे जो है देश दुनिया के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सामाजिक परिवर्तन के लिए जिन क्षेत्रों में टेलीविज़न सार्थक और रचनात्मक भूमिका निभा सकता है वे हैं, जैसे टेलीविज़न पे समाचार प्रसारित होता है, टेलीविज़न जो है मनोरंजन कार्यक्रम को भी प्रसारित करता है जिससे हमारे दर्शक जो है मनोरंजन करते हैं,
शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम भी जो है टेलीविजन पे प्रसारित किया जाता है, ऐसे ही जो है स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, कृषि और पर्यावरण से संबंधित जो है कार्यक्रम जो है प्रसारित किया जाता है, जिससे जो है लोग जागरूक हो सकें। खेल और टेलीविज़न, मतलब टेलीविज़न पे जो है अगर कहीं एशियाई गेम्स या ओलंपिक्स या क्रिकेट का वर्ल्ड कप मैच, इस तरह के जो महत्वपूर्ण खेल होते हैं उन्हें जो है टेलीविज़न पे प्रसारित किया जाता है, जिससे हमारे दर्शक जो है देख सकें, उसका सीधा प्रसारण किया जाता है। बात करते हैं समाचार और टेलीविज़न की। भारत देश में न्यूज़ चैनलों की भरमार है। अगर हम न्यूज़ चैनलों की बात करें तो टेलीविज़न के जो है बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं हमारे देश में। देश की जनता समाचार के लिए ही टेलीविज़न पर निर्भर है। जो देश की जनता है वैसे तो बहुत सारे माध्यम हैं समाचार प्राप्त करने के लिए, लेकिन सर्वाधिक आबादी जो है वो टेलीविज़न पे ही जो है समाचार देखना और सुनना जो है पसंद करती है। पत्रकारिता को टेलीविज़न ने नया आयाम दिया है। रेडियो ने समाचारों को दूर तक साक्षर निरक्षर सब लोगों तक तुरंत पहुंचने का कार्य तो किया था, लेकिन समाचारों से संबंधित घटनाओं आदि को प्रत्यक्ष दिखाकर टेलीविज़न ने समाचारों को विश्वसनीयता और प्रामाणिकता प्रदान की है। रेडियो द्वारा प्रसारित किए गए समाचारों को जो है हम केवल सुन सकते हैं, जबकि वही समाचार जब टेलीविज़न पे प्रसारित होता है तो उसे हम सुन और देख दोनों सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो है टेलीविज़न पे प्रसारित होने वाले समाचारों की जो है विश्वसनीयता जो है रेडियो की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से उस घटना को हम टेलीविज़न के माध्यम से देखते हैं। श्रवण के साथ दृश्य का मिश्रण करके टेलीविज़न दुनिया भर के समाचार व्यक्ति को उसको अपने स्थान पर ही प्रत्यक्ष उपलब्ध कराता है। अगर दुनिया में कोई भी घटनाएं घटित होती हैं या कोई उपलब्धियां होती हैं या कोई मैच होता है या इवेंट जो है कोई भी इवेंट्स होता है उसे टेलीविज़न पे जो है हम देख सकते हैं। टेलीविज़न दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी कराता है और टेलीविज़न पे जो है मनोरंजन के कार्यक्रम भी जो है प्रसारित किए जाते हैं। भारत देश की अगर बात करें तो भारत देश में मनोरंजन चैनलों की भरमार है। देश की जनता मनोरंजन के लिए भी टेलीविज़न पर निर्भर है। मनोरंजन को टेलीविज़न ने नया आयाम दिया है। अनेक चैनल से मनोरंजन परक, जिनमें नाटक, धारावाहिक, गीत संगीत, फिल्म, चित्रहार, रंगोली एवं रियलिटी शो, चैट शो आदि कार्यक्रमों का प्रसारण होता है, जिसका आनंद बखूबी से जो है दर्शक लेता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी टेलीविज़न महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वाकर के अनुसार शिक्षा और टेलीविज़न को मिला दीजिए, मानव मस्तिष्क द्वारा अभी तक परिकल्पित तथा मानव बुद्धि के लिए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली उपकरण मिल जाएगा। उपरोक्त कथन शिक्षा के क्षेत्र में टेलीविज़न की उपयोगिता को और संदर्भित रूप में प्रमाणित करता है। टेलीविज़न की सहायता से विद्यार्थी न केवल अनेक भाषाएं सीख सकते हैं बल्कि अनेक विषयों को सिद्धांत के साथ व्यवहारिक स्तर पर उसके प्रयोगात्मक रूप को समझ और जान सकते हैं। टेलीविज़न शिक्षा के उन्नयन में काफ़ी मददगार साबित हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में टेलीविज़न की महत्वपूर्ण भूमिका है और टेलीविज़न पर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जिससे लोग जान के शिक्षित होते हैं, उसके बारे में वो पहले नहीं जानते थे, जब टेलीविज़न पर देखते हैं सुनते हैं तो उसके बारे में वो जान जाते हैं। टेलीविज़न पर ये सारी चीज़ें जो है उपलब्ध हैं। टेलीविज़न ने शिक्षण विधि के तरीकों को भी परिवर्तित कर दिया है। शिक्षण विधि के तरीके बदलने तथा अध्यापकों को नए क्षेत्रों में पारंगत करने का काम टेलीविज़न के माध्यम से बखूबी किया जा रहा है। टेलीविज़न सीखने सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के साथ सीखने की तत्परता और स्थितियां उपलब्ध कराता है। टेलीविज़न की सहायता से न केवल नई पाठचर्या तैयार की जाती है बल्कि इससे शिक्षा पद्धति में रोचकता भी आती है। स्वयंप्रभा चैनल की बात करें या वंदे की बात करें या ई पाठशाला की बात करें, ये सारे जो है टेलीविज़न पे जो है कार्यक्रम जो है प्रसारित किए जाते हैं, जिससे
जो हमारे छात्र हैं वो अपने क्लास के अनुरूप जो है उन कार्यक्रमों को जो है देखते हैं और समझते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेलीविज़न की जो भूमिका है वो शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षण पद्धति में जो है महत्वपूर्ण हो गई है। देश में मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा की पृष्ठभूमि में टेलीविज़न की उपयोगिता निर्विवाद कही जा सकती है। हम अगर बात करें डिस्टेंस ओपन एजुकेशन की, दूरस्थ शिक्षा की अगर हम बात करें, तो दूरस्थ शिक्षा में जो है टेलीविज़न की भूमिका जो है अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। टेलीविज़न जो है शिक्षा के प्रसार का एक माध्यम बन गया है, जिससे हमारे शिक्षार्थी जो है लाभान्वित होते हैं। टेलीविज़न विषय वस्तु और तकनीकी के संवर्धन द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है, किंतु टेलीविज़न शिक्षक का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि टेलीविज़न पर भी शिक्षण कार्य तो अध्यापक ही करता है। टेलीविज़न शिक्षण पद्धतियों में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, लेकिन अध्यापक के बिना वो भी अधूरा है। अध्यापक की जो भूमिका होती है, जो शिक्षक का स्थान होता है, वो टेलीविज़न नहीं ले सकता। इसीलिए शिक्षक का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि टेलीविज़न पर भी शिक्षण कार्य अध्यापक ही करता है। गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विषयों के शिक्षण में टेलीविज़न उसकी सहायता करके उसके काम को आसान कर देता है। शिक्षा क्षेत्र में टेलीविज़न प्रसारण का उपयोग बढ़ रहा है, परंतु अभी तक वो पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा नहीं बन सका है। शिक्षा के क्षेत्र में जो है टेलीविज़न की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। शिक्षा संबंधी कार्यक्रम शिक्षण संस्थानों जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, शिक्षण तकनीक का राष्ट्रीय संस्थान CIET और शिक्षण तकनीक के प्रादेशिक संस्थान SIET के सहयोग से व्यवस्थित किए जाते हैं। इग्नू के कार्यक्रम के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाता है जो पाठ्यक्रमों से सीधे जुड़े हों, अन्य विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी हैं। इग्नू जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, वो अपने पाठ्यक्रम के अनुरूप जो है टेलीविज़न के कार्यक्रम को जो है निर्मित करता है, उसको प्रोत्साहित करता है, जिससे उसके विद्यार्थी उसे देख के जो है लाभान्वित हो सकें, और उसके केवल विद्यार्थी ही नहीं बल्कि अन्य विषयों के भी विद्यार्थी उसको देख कर जो है उससे लाभान्वित हो सके। इसके लिए जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी लगातार प्रयासरत है। इसी तरह अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जो दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय प्रादेशिक स्तर पर है, उन विश्वविद्यालयों ने भी जो है शिक्षण कार्य में जो है टेलीविज़न की भूमिका को सराहा है, और वो भी ऐसे कार्यक्रम की पेशकश कर रहे हैं कि उनके भी विद्यार्थी जो है टेलीविज़न पे वो कार्यक्रम देख सकें, और उसके लिए भी जो है पाठचर्या तैयार की जा रही है। स्वास्थ्य और टेलीविज़न की अगर बात करें, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संदेश की विशेष आवश्यकता सामाजिक दृष्टि से सभी लोगों के लिए है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य जो है सभी लोग संबंधित हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से सभी दर्शक संबंधित हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं, जैसे बीमारियां होती हैं, या हम कैसे स्वस्थ रहें, उसके क्या निराकरण हो सकते हैं, स्वास्थ्य पे आधारित कार्यक्रम जो है टेलीविज़न द्वारा प्रसारित किया जाता है, जिससे हम लाभान्वित होते हैं। महामारी तथा संक्रामक रोगों के खतरों से संबंध संदेशों को अविलंब प्रसारित कर सकता है। टेलीविज़न के माध्यम से जैसे कोई अगर महामारी आई है, उसके बारे में जो है टेलीविज़न पे लगातार जो है उस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जाता है, उससे जो है हमारे दर्शक गण जो है उससे लाभान्वित होते हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी, कोरोना से कैसे बचा जाए, और इसके लिए जो है टेलीविज़न पे बहुत सारे कार्यक्रम जो है प्रसारित किए गए, जिससे लोग जागरूक हुए और उससे बचने की कोशिश
किया। कृषि के क्षेत्र में भी जो है टेलीविज़न की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि जो कि किसानों से संबंधित है और हमारे देश में, भारत जैसे देश में जो है 70% आबादी जो है वो किसानों की है, ग्रामीण क्षेत्र हैं। टेलीविज़न की सहायता से कृषि एवं भूमि सुधार के क्षेत्र में बेहतर बीज, उर्वरक, कीटनाशक एवं मौसम के अनुरूप फसलों की बुआई की जानकारी के अतिरिक्त किसानों को अपने कृषि उत्पादों से परिमाण तथा गुणात्मक सुधार लाने की सलाह दी जाती है। साथ ही बताया जाता है कि किसान किन साधनों एवं उपाय को अपनाकर फसलों का उचित मूल्य पाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में हम देखें तो टेलीविज़न की भूमिका जो है वो सराहनीय है। टेलीविज़न पे जब दूरदर्शन हुआ करता था, दूरदर्शन पे जो है कृषि दर्शन नाम से जो है एक प्रोग्राम प्रसारित होता था, जो विशेष रूप से जो है किसान भाइयों के लिए होता था और उसमें जो है उन्नतशील बीजों के बारे में, कीटनाशकों के बारे में, मौसम के अनुरूप जो है फसलों के बुआई के बारे में जो है जानकारी दी जाती थी। और साथ ही उसमें यह भी बताया जाता था कि किस तरह से जो है मौसम के अनुरूप जो है किसान फसल उपजा कर जो है और उससे जो है अधिक से अधिक जो है मुनाफा कमा कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकता है। इस तरह के भी कार्यक्रम जो है लगातार जो है टेलीविज़न पे प्रसारित होते रहे हैं और हो रहा है। प्राकृतिक आपदा और टेलीविज़न। प्राकृतिक आपदाओं में टेलीविज़न की भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जो है हमें जानकारी जो है टेलीविज़न के माध्यम से मिलती है, जैसे प्राकृतिक त्रासदियाँ जैसे भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी आपके यथार्थ स्थितियों को साकार और प्रत्यक्ष रूप से लोगों को सामने उपस्थित करके सहायता और सहयोग की प्रेरणा दे सकता है। अगर कहीं पे भी जो है प्राकृतिक आपदा होती है, सुनामी आता है या भूस्खलन होता है या फिर बाढ़ आता है या चक्रवात आता है, उससे लोग जो है प्रभावित होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है टेलीविज़न के माध्यम से दी जाती है और लोगों से ये अपील की जाती है कि उनके लिए जो है मदद के लिए आगे आए। इस प्रकार से छोटी बड़ी प्राकृतिक आपदा के प्रति नागरिकों के मन में संवेदना जगा सकती है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत समाचार और करंट अफेयर्स भी जो है टेलीविजन पर दिखाए जाते हैं। टेलीविजन चैनलों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम समाचार है। देश की सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे संसद की कार्यवाही, लोकसभा का शून्य प्रहर, राष्ट्रीय कार्यक्रम और अन्य समाचारों का सजीव प्रसारण किया जाता है। राष्ट्रीय कार्यक्रम में महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे गणतंत्र दिवस परेड, स्वतंत्रता दिवस समारोह, राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश, राष्ट्रपति का संसद के सम्मिलित सत्र का संबोधन, लोकसभा की महत्वपूर्ण बहस, रेलवे व सामान्य बजट का प्रस्तुतिकरण, लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल, चुनाव परिणाम और विश्लेषण, शपथ ग्रहण समारोह, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा एवं विदेशी मेहमानों की भारत यात्रा आदि का सजीव प्रसारण किया जाता है। टेलीविज़न कार्यक्रमों में राष्ट्रीय प्रसारण के तहत 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जैसे कार्यक्रमों को जो है लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, जिससे दर्शक जो है अपने घर पे ही बैठे कार्यक्रम को देख सकें। इसी तरह संसद की कार्यवाहियाँ भी जो है का सीधा प्रसारण किया जाता है, जिससे जो है दर्शक घर पे जो है देख सकें कि हमारे संसद में क्या हो रहा है।
टेलीविज़न पे खेल का सीधा प्रसारण किया जाता है, जैसे जो महत्वपूर्ण खेल क्रिकेट मैच, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन आदि के साथ फुटबॉल प्रतियोगिता आदि जैसे विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं जैसे ओलंपिक, एशियाई खेल एवं अन्य देशों के साथ खेले जा रहे मैच और दूसरे खेल समारोह में भी सजीव प्रसारित किया जाता है। अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है या क्रिकेट का प्रीमियर लीग हो रहा है या फुटबॉल हो रहा है या बैडमिंटन हो रहा है या टेनिस हो रहा है या हॉकी हो रहा है, इन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण जो है टेलीविज़न पे किया जाता है। टेलीविज़न और मौसम संबंधी सूचनाएं। टेलीविज़न से हमें मौसम संबंधी सूचनाएं जैसे बादल, वर्षा, हिमपात, तूफान, चक्रवात, सुनामी आदि की जानकारी के साथ साथ वन क्षेत्र, भूगर्भिक, खनिज, जल स्रोतों, वन आच्छादन आदि का भी पता चलता है। टेलीविज़न पर समय समय पर मौसम संबंधी सूचनाएं जो है उस पर प्रसारित होती है, जिससे लोग अलर्ट हो सकें और उस मौसम के अनुरूप अपने से बचा सकें। आज हमारे देश में अनेक देशी विदेशी चैनलों के कार्यक्रम टेलीविज़न के माध्यम से प्रसारित हो रहे हैं। जो भी देशी विदेशी चैनलों के जो कार्यक्रम है वो हमारे टेलीविज़न के माध्यम से वर्तमान समय में प्रसारित हो रहा है। संचार क्रांति के वर्तमान युग में पूरा विश्व एक गांव में तब्दील हो गया है तथा सूचना के आवाग प्रवाह के लिए दूरी अब कोई समस्या नहीं रह गई है। सूचना प्रवाह का एक प्रमुख माध्यम आज टेलीविज़न बन चुका है। भारतीय दर्शकों को टेलीविज़न के रूप में एक ऐसा माध्यम प्राप्त हो गया है जिसके जरिए पूरी दुनिया में क्षण प्रतिक्षण घट रही घटनाओं एवं भिन्न भिन्न संस्कृतियों तक उनकी पहुँच हो गई है। टेलीविज़न ने भारतीय दर्शकों की सोच मानसिकता पर गहरा प्रभाव डालना है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि टेलीविज़न पे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पे आधारित होता है, उसको नकारा नहीं जा सकता। टेलीविज़न का जो सामाजिक सरोकार है वो बहुत ज़्यादा है, वो हमारे जीवन शैली को बदल देती है। टेलीविज़न प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिन्हें जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको जो है ध्यान रखना चाहिए और इस तरह से जो है उस पर कार्यक्रम नहीं प्रसारित होने चाहिए जिससे जो है कहीं से भी जो है किसी भी तरह की जो है लोगों को कोई चोट या आघात पहुंचे उस कार्यक्रम को देखने के बाद। वर्तमान समय में अगर टेलीविज़न की बात करें तो भारतीय सभ्यता के साथ साथ जो है पश्चिमी सभ्यता के भी जो है कार्यक्रम उस पर प्रसारित किए जाते हैं और सबसे बड़ी खामियां ये है कि लोग अपनी सभ्यता को छोड़कर जो है भारतीय सभ्यता को छोड़कर पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति को सीख रहे हैं और इसी के साथ टेलीविज़न का सामाजिक सरोकार समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।